दो जी हेडिंग दीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया था, फटाफट हेडिंग दीजिए, एडजस्टमेंट्स, न्यू एडजस्टमेंट्स। जल्दी प्लीज, नंबर वन शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी प्लीज, ₹10,000, बिल्कुल छोटे एग्जांपल लेके चलेंगे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में दिया होगा, आपने एंट्री कर चुकी है +1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बट इसका यहाँ पे क्या इफेक्ट है, दो इफेक्ट होंगे, एरो देख आप सकते हैं। एक तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे, डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस, कि हमारी फर्म का, हमारे बिजनेस का क्या है खर्चा। और पहले भी आपने पढ़ा था, मैंने कहा था बिजनेस का खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ओके, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, हाँ जी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल वर्ड दिया होता है, हाँ जी सर, कैपिटल के बिना क्वेश्चन कैसे होगा। उस कैपिटल में जाके इसको आप क्या करेंगे, ऐड किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, बिकॉज एंट्री आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैश तो होता नहीं, लाइबिलिटी भी नहीं है, तो कैपिटल इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दैट्स अ पॉइंट। अभी आप जो कैपिटल के 3 लाइन छोड़ते थे, कैपिटल एड प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, अब एक वर्ड और आ जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा, बिजनेस का खर्चा, कारण क्यों कैश में पे नहीं होता, इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, दूसरी एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन, अगर आप समझ गए हो, ड्रॉइंग्स, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मान लीजिए रुपीज है 2,000, रुपीज कितना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, आईओडी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईओसी। अब इसके भी दो ट्रीटमेंट है अर्षित, ये प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, सर इनकम है हमारी, बिजनेस की इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड एज इनकम, आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, देखो सर लाइबिलिटी साइड तो बनता ही था, कारण क्यों, जब ड्राइंग्स खुद कहाँ जाते हैं, जल्दी बोलो, लाइबिलिटी साइड। बट इसके दो आंसर बन जाते हैं यहां जाके, या तो इसको आप ड्राइंग्स में जाके क्या कर दो, जल्दी बोलो, एड ड्राइंग्स में, एड ड्राइंग्स नहीं बढ़ेंगे इससे, बट आप जानते हैं अल्टीमेटली ड्राइंग्स ने भी कैपिटल से क्या होना है। तो मैं आंसर बोलता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, डायरेक्टली जाके कैपिटल में से क्या कर दो, मर्जी आपकी है, तो ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे, कि आप ड्राइंग्स भी तो माइनस कर रहे हैं वहीं पे, माइनस आईओडी। तो ये लास्ट 5 वर्ड्स हैं कैपिटल के, इसके अलावा नहीं आएंगे, कैपिटल एड या लेस एनपी, माइनस ड्राइंग्स माइनस आईओडी प्लस आईओसी, ये 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये समझ लो। बच्चे कहते नहीं जी मैं तो ड्राइंग्स में जोड़ूंगा, जोड़ लो भाई, ड्राइंग्स भी तो अल्टीमेट कैपिटल से माइनस ही होनी है, जैसे आपको ठीक लगे। डन, थर्ड पॉइंट आप कर चुके, विड्रो गुड्स, विड्रो गुड्स फ्रॉम बिजनेस और पर्सनल यूज ₹5,000, सोचिए, करा हुआ आपने एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या था, परचेजेस, बिकॉज गुड्स विड्रू करे बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, और मुझे एंट्री बोलो आपने क्या बोली, जल्दी बोलना, ड्राइंग्स टू। अब पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज वर्ड आ गया, खुद मान लगाओ, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी साइड, ये भी बता दूं, डेबिट साइड, परचेजेस में से क्या करेंगे, माइनस, परचेजेस में से क्या करेंगे, कारण क्यों, इतने के गुड्स आप घर पे विड्रू करके ले गए, परचेजेस में से माइनस, माइनस ड्राइंग्स करके, अब गलती ना करना, अब परचेज में से क्या क्या माइनस होता है, सिर्फ रिटर्न्स, अब एक और आ गया, कौन सा, माइनस ड्राइंग्स, कि जब आप पहले अंदर लिख दो फिर कटिंग करके फिर लिखो, अच्छा नहीं लगता। तो पहले ही पॉइंट पढ़ के चलेंगे सर, ड्राइंग्स का पॉइंट भी है। दूसरा इफेक्ट, तो वही चीज सेम, बैलेंस शीट, वैसे बैलेंस शीट तो नाम की हो गई बेचारी, ठीक है, लाइबिलिटी साइड फिर वही बात, मैं तो यही कहूंगा एक ही आंसर, ड्राइंग्स में जाके क्या कर दो, एड,
ड्राइंग्स में जाके क्या कर दो एड, वो एक्चुअली एंट्री क्या थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, परचेजेस स्टॉक कम हुआ, परचेज कम कर दिया और ड्राइंग्स बढ़ गई, पर अल्टीमेटली आपको पता है ड्राइंग्स ने क्या होना है, माइनस कहां से, कैपिटल से। तो ये पॉइंट है, इसको हम ड्राइंग्स में ऐड करते हैं, अलग से नहीं लिखते कि माइनस परचेजेस, नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल से ही माइनस या ड्राइंग्स में ऐड। तो ये पॉइंट था आपका, संतो ये तो एंट्री से याद हो जाएगा आपको, ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स में ऐड करना है, परचेज में माइनस, ऐसे बोलो सिंपल भाषा, वर्ड भी छोड़ो, अब तो क्या लिखना, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तीन चार क्वेश्चन कर ले तो पहले पुराने कर ले, आपको पता है ड्राइंग्स कहाँ जाता है, लाइबिलिटी जाता है सर, पता है वो छोड़ो, बस ये बताओ ड्राइंग्स में ऐड करके कैपिटल से माइनस, इसी का फोर्थ वर्ड मिलता जुलता है, थोड़ा चेंज होगा। गिव अवे गुड्स वर्थ ₹4,000 टू अ टेम्पल एज अ चैरिटी, याद है कुछ स्टार्टिंग का सर, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर आपके, तो एंट्री क्या थी, जल्दी बोलो, चैरिटी टू। अब इसका आंसर मुझे बताना क्या क्या होना चाहिए सर, सेम ही तो है, पहला आंसर फिर वही, चलो लिख लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड करेंगे क्या, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, परचेजेस में से माइनस, एक आंसर तो सर ये, वो तो होना ही था यार, स्टॉक कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा दूसरा आंसर होएगा P&L की डेबिट साइड, चैरिटी में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, अगर वहां ऑलरेडी चैरिटी दी हुई, अगर नहीं दी हुई फिर अलग से लिखोगे टू चैरिटी, ये नहीं कि चैरिटी तो वहां पे है नहीं सर, क्या करूं, अब ये तो है, इसको जोड़ो, कहां पे जी, कहां पे, हाँ ना, कहां ट्रेडिंग लिखा, P&L लिखा, वो तो माइनस करें ना, परचेज भी तो माइनस करना ही पड़ेगा, पर चैरिटी P&L में थी, पर ये पॉइंट हो गया खासियत, इस पॉइंट के एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट बैलेंस शीट नहीं किया, देख रहे हो, एक ट्रेडिंग में गया, एक P&L, ये दो ही पॉइंट है, कि ये वाला एक और लिखूंगा एडवर्टीजमेंट वाला, तीन पॉइंट्स हैं, फ्री सैंपल बांट दिए, चैरिटी कर दी, वो चीज, अगला पॉइंट है ये लास्ट पांचवा, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स अमाउंटिंग टू ₹6,000, पैसा को फ्री सैंपल से अंदाजा लगा लेना चाहिए, फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं 6,000 फॉर एडवर्टीज़। एडवर्टीजमेंट, वैसे बोलने की जरूरत है नहीं, उससे पता चल जाता है पेपर में, आप ध्यान रखना, आंसर लिख लीजिए, दो आंसर होंगे फिर वही क्या सर, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड, परचेजेस में से क्या करेंगे, खुद माल लगाओ माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी, डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट में जाके क्या करेंगे, एड, अगर नहीं दिया हुआ तो अलग से लिख देना टू एडवर्टीजमेंट, अगर दिया हुआ 8, 7, 6 प्लस ये वाला, ये भी ऐड कर देना, एक्चुअली एक तरह की देखा जाए ये तो रेक्टिफिकेशन ही है, कोई एंट्री कर नहीं रह गई होगी, आज आपको पता चल गया तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लो, अब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, अब ये थोड़ा जर्नल बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा, ट्रायल बनाऊंगा, नहीं भाई, अब तो फाइनल फाइनल इफेक्ट करो, क्या अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट करने से हुआ क्या, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा, स्टॉक कम हुआ, मैंने परचेज से जाके माइनस कर दिया, एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दिया, और लास्ट पॉइंट एक रह गया सिक्स, लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे एक तरह का पॉइंट नहीं है ये आउटस्टैंडिंग का ही पॉइंट है, पर प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, कैसे, इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में लिख लो आउटस्टैंडिंग, पता गया था फिर, आउटस्टैंडिंग तो हमें आता है, पर ये थोड़ा सा मिलता जुलता आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रायल दी हुई है, छोटी सी बना लीजिएगा ट्रायल बैलेंस, आपको पता है डेबिट क्रेडिट, याद तो है, यहाँ पे पहला वर्ड लिखिएगा लोन फ्रॉम एट द रेट 10% पर एनम, चलो तो लोन के साथ भी रेट आ गया, तो मींस दैट खुद दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, अगर लोन के साथ इंटरेस्ट आया तो पे भी करना पड़ेगा, पहले तो लोन बताइए सर कितने का है, सुनने वाली बात है, कितने का, 1,50,000 1,50, मेरी एग्जांपल भी चलो वैसे है 1,50,
उसी के नीचे मान लो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन अबव लोन, ना भी अबव बोलूं तो उसी लोन के ऊपर बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा है 12, मेरी एग्जांपल में कुछ हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ हो रहा है। यहां तक हो गया, डन है, ये ट्रायल यहाँ पे बंद हो गई और कुछ नहीं लिखा। नीचे जाके एडजस्टमेंट में लिखा होगा क्या पॉइंट, लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा तब भी आपने क्या लिखना है, लिखा क्या होगा वैसे, फर्स्ट डे है, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग, ना भी लिखा होता तब भी आपको चेक करनी आपकी ड्यूटी थी, लिख दिया। अब क्या चेक करना है, सुन मेरी बात को, अपने आप बनता है पॉइंट ये, वैसे मैं नहीं कराना था, पांच ही बनते हैं पॉइंट। तो क्या सर 1,50,000 का लोन लिया किससे, जल्दी बोलो, राम से, क्या रेट पे, 10%, क्या आपका इंटरेस्ट देना फायदा नहीं बनता, और डेट नहीं बोली तो पूरे साल का 150 का 10% कितना ब्याज बनता है, आपने कितना पे करा, कितना आउटस्टैंडिंग है, एक तरह का ये पॉइंट था। मतलब पहले भी करा सकते थे कल, पर आज रखा आपकी बुक इसको अलग मानती है तो करेंगे कैसे, पहली बात तो आएगा कहां पे, जल्दी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लिखोगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, जल्दी बोलिए, 12, एड आउटस्टैंडिंग कितना था, 3, नेट खर्चा कितना आएगा, जल्दी बोलिएगा, नेट खर्चा इज ऑन 15,000, लिखिए जल्दी, 15, 12 + 3 कितने हो जाएंगे, 15, 12 + 3, एक मिनट जी, 12 + 3 कितने हो जाएंगे, 15, और बाकी यही 3,000 कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की, जल्दी बोलिएगा, लाइबिलिटी साइड, कारण अभी आउटस्टैंडिंग है आपने पे नहीं किया, लिखिए फटाफट, बैलेंस शीट बना के दिखानी है, छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखा दीजिए, ऐसे ही अलग से लिखना है तो मर्जी आपकी है, 12 + 3 यही था, 12 + 3 ये कितना हो गया, 15, और यहाँ पे आप छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, ये लाइबिलिटीज हैं रुपीज हैं, ये एसेट्स हैं रुपीज, लोन तो आपको पता ही है लाइबिलिटी है, यस सर, लोन तो पता ही है, वो तो आना ही आना है, बल्कि अलग से जाके यहाँ पे निशा क्या लिखेंगे, बाय सॉरी बाय नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, ये पॉइंट था, वैसे आपने कर रखा था पर अलग से करवा दिया कि पेपर के लिए टीचर ऐसा कुछ बोले, पर कभी भी यार ट्रायल में अगर रेट आ गया तो उस चीज का रेट आपने पे करके आना है या रिसीव करके आना है, डिपेंड ऑन द लोन पे है या इन्वेस्टमेंट पे है, यहां तक तो डाउट है पूछ के, डन सर, लो फिर फटाफट स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए पॉइंट्स आपके रेडी हैं, 4-5 पॉइंट्स खड़े हैं हमें, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट और कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स पुराने भी रखे हुए हैं सर, कुछ पॉइंट्स मैंने पुराने भी रखे हैं बीच में, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग बीच में हल्का फुल्का, तो देख लेना, ये रही इसकी एडजस्टमेंट, अगर देख पा रहे हो 9 एडजस्टमेंट लेंथ देख रहे हो, टीचर कहती है आपकी 4-5 कराएंगे, अपन 9 तो आपको अभी करा रहे हो, अभी स्टार्ट भी हो चुका है, पर आप सीरियसली करेंगे तो आप लगेंगे 9 कुछ नहीं सर, तो 7वां एडजस्टमेंट है, टिक करते जाओ पॉइंट होते जा रहे हैं, और कराऊंगा वैसे ही डायरेक्ट, सुनो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पीडीएफ, सर यहाँ पे हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, इस तरह से लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, अगले पेज पे भी आप आराम से बना सकते हैं फॉर्मेट, मैं देख रहा हूं जी, किसका कह रहे हो आप, एट, हाँ 870, 870 ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा 870 हमने कहां तक बना लिया था, अच्छा यहाँ पे अपन हेडिंग दे लेते हैं बैलेंस शीट, आप पहले फॉर्मेट बनाइए सर, फॉर्मेट में कोई कमी नहीं चाहिए, बैलेंस शीट,
दिस साइड लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज फटाफट बना लीजिए. और यहां पे पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर रुपीज. कोई जल्दबाजी नहीं सर, आप आराम से करेंगे. आपको पॉइंट नहीं भी आते, एक बार नए पहली बार सीख रहे हैं पॉइंट, इसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में हो जाएगी. अभी के लिए पहला वर्ड आपको मैंने हमेशा सिखाया क्या, बस पहले वैसे ही चलिएगा. कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज काइंडली बार बार बोल रहा हूँ, आराम से सीखिए, आपका टाइम है. फिर आपने आप नहीं करने हैं अनसोल्ड सारे. ओपनिंग स्टॉक देख के बताइए मुझे कहाँ पे दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक ये बैठा है, दिख गया, देख गया 40, तो कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को इस मामले में 40. अगला वर्ड आप क्या लिखते थे अगर आपको याद हो, टू परचेजेस. मैं अभी ऐसे लिखा, मैंने कस आगे नहीं करा, मैं वापस गया क्वेश्चन पे. मुझे परचेज तो दिखाई दिखा, साथ में क्या दिखा, एक वर्ड सुना, एक वर्ड दिखा रिटर्न. तो मैं इतने में एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स पे आया. एडजस्टमेंट देख के देखिए, गेव अवे डिस्ट्रीब्यूट और विड्रू, देखा उषा को, ऐसे मैंने टिक कर क्यों करा. इन तीनों पॉइंटों में परचेज क्या होनी है, माइनस. तो कहीं आप गलत कर देते फिर आप कटिंग करके वापस आते, अच्छा नहीं लगता. तो पहले ही हुई अपन लाइन क्या, गेव अवे गुड्स कितने के, इतने के, चलो जो भी होगा, फ्री सैंपल इतने के, विड्रू गुड्स इतने के, है ना पॉइंट. तो मैं पहले ही एक तैयारी कर लूं यहाँ पे क्या, माइनस नहीं, सबको दिखाना पड़ेगा जी, नेट नहीं कर सकते. जैसे माइनस रिटर्न्स, माइनस ड्राइंग्स, माइनस चैरिटी, माइनस एडवेज. मैं ये कह रहा था कि बाद में कटिंग हो अच्छा ही लगता, पहले तैयारी कर लीजिए. टू परचेजेस, लेस रिटर्न, माइनस ड्राइंग्स, माइनस चैरिटी, माइनस एडवर्टाइजमेंट. और इधर आपको पता ही है एक ही वर्ड होता है क्या, बाय सेल लेस क्या, रिटर्न्स. और सेल शायद आपने मुझसे पूछा था, इट्स 870 ना, देख लीजिए सेल्स कितनी थी, ये बैठी है सेल्स क्रेडिट पे 870. और रिटर्न्स कितनी है, इधर वाली रिटर्न्स कौन सी होगी आपको पता है, एसआर, इधर वाली परचेज टर्न, एसआर कितनी है 20. तो 870 माइनस 20 जो हो सकता है वो तो करिए आप. और परचेज जो पता है पहले वो बता दो, 650 माइनस 30, ये तो लिख दें ना, अभी नेट नहीं करना, अभी वेट करेंगे. मैं अभी कर भी नहीं रहा कुछ, कर भी नहीं रहा, कट्ठे कराऊंगा तभी, साथ के साथ ही, जहां भी हो पाएंगे, जहां भी हो पाएंगे. डन हो गया यहां तक. और मैंने अगला वर्ड आपको क्या सिखाया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो क्या ड्राइंग्स एंड कैपिटल है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बैठे हैं क्या, ड्राइंग्स एंड क्या है, कैपिटल है ना. सुनना अगले पेज पे आओ, इसके बाद आईओसी आईओडी भी है, देख गया ना. तो स्पेस छोड़ लो बस, पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड फर्स्ट वर्ड कौन लेगा, जल्दी बोलो, कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेते हैं. और मैं पहले प्लस वाले टर्म्स लिखूंगा, इसके अंदर आप क्या जोड़ते हैं अगर आपको याद हो, ऐड आईओसी, बताया था आईओसी कैपिटल में ऐड होगा. अगले लाइन में फिल नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता वो क्या होगी, उसके अगले में माइनस पहले लिख देता हूं क्या, ड्रॉइंग्स, उसी के अगले में माइनस पहले लिख देता हूं क्या, आईओडी, जो मुझे पता है, डन है. और एक अगले में मैं पहले लिख देता हूं माइनस क्या, फर्दर ड्रॉइंग्स. आप समझ रहे हैं क्या चीज है, ये नया वर्ड है, फर्दर ड्रॉइंग कौन सी, जो आपने गुड्स नहीं निकलवाए, गुड्स निकलवाए नहीं, चैरिटी तो चैरिटी में जाएगा, वो तो पी एंडल है, चैरिटी इज एक्सपेंस, वो पी एंडल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पी एंडल जाएगा, पर ड्रॉइंग्स यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आया, और कोई कुछ नहीं. मैंने अभी लिख के छोड़ दिया, अभी लिख के छोड़, इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे अब आप उठा लीजिए. अब देखो, अब मैं आपको रोकूंगा नहीं, अब वर्ड्स को छोड़िए, अब पहले पॉइंट से चलते हैं फटाफट, अब किसी को कोई रोकेगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आ जाओ. क्लोजिंग स्टॉक जल्दी बोल मेरे भाई, 50,000, वेयर एज एनआरवी कितना, 40, कौन सा लेगा, 40. अब क्लियर हो गया, चलो कहाँ कहाँ लिखेंगे, एक तो आराम से लिखते जाओ, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, और यही 40 अर्शित कहाँ जाएगा, एसेट, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, इट्स अ 40, फटाफट देखिए. 10 सर,
फोर्टी फोर्टी डन हो गया। आगे चलिए वापिस आया मैं, कहता जी प्रोवाइड करो आईओसी एट द रेट 8%। कॉमन सेंस है, आईओसी है तो पढ़ चुके जर्नल में ऑन द कैपिटल, और कैपिटल क्वेश्चन में कितनी थी आप मुझे देख के बताइए, कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख का 8% कितना होता है जल्दी, 3 लाख का 8%, 3 8 24। अब सुनने वाली बात क्या है, सुनने वाली बात क्या है, पहले यहां फिट कर लें, यहां फिट कर लें, कैपिटल भी पता है और आईओसी भी पता है, पहले फिट कर लो आराम से, कैपिटल भी पता है और आईओसी भी पता है, बट आपको पता होना चाहिए आईओसी कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, खर्चा है बिजनेस का, कहां पे आएगा डेबिट साइड, स्पेस छोड़ के, अगर आप देख रहे हो ट्रेडिंग की, मैंने वैसे मेजर जगह छोड़ ली, कोई आपको और कोई वर्ड मिलता है ट्रेडिंग का देख लो, देखना प्रोडक्शन, रॉयल्टी, गैस, फ्यूल, पावर, और इसके अलावा मुझे कोई वर्ड देख लीजिए नहीं मिलता, 3 वर्ड मिलते हैं सिर्फ, तो मैं देख लो पहले स्पेस काफी मेरे पास, तो देखो 1 2 3 4 आने, मतलब इस पेज पे मेरा काम चल जाएगा आराम से इसको छोड़ते हुए, ठीक। मैं यहां से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखो क्या था, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए है जल्दी बोलो, 24। मैंने यहां पे स्टार्ट कर लिया, आप आगे पीछे कर सकते हैं, 4-5 लाइनें छोड़, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24। डन हो गया सर, डन है, अब वापिस आइए, उसी के नीचे पॉइंट था चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना जल्दी बोलो, 3। तो ये भी मैं कहां लिख सकता हूँ जल्दी बोलना, क्रेडिट साइड पे, मैं थोड़ा सा ना इधर को भी लिख रहा हूँ, तो इधर जीपी आ जाएगा क्लाइंट में, क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने रुपए जल्दी बोलो, 3000 जो दिया हुआ है, ये देखो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3। और आपको पता है वैसे ड्रॉइंग्स कितनी थी, माने आपकी, आपकी ड्रॉइंग्स कितनी थी वैसे, 30। तो बैलेंस शीट में चलिए, ड्रॉइंग्स के आगे लिखिए 30, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आगे लिखिए 3। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो चीज हो सकती है पहले वही करूंगा, डन हो गया, अब तभी डायरेक्ट कॉस्ट में फायदा लगेगा, डन। आगे चलिए, अगली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, अगला कौन सा है, गिव अवे गुड्स 5000 के गुड्स मंदिर में क्या दे दिए, दान, क्या ट्रीटमेंट होगा जल्दी बोलो, परचेज में से माइनस चैरिटी में एड, मुझे चैरिटी बता कितने की है, चैरिटी 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 ये बैठी है कितने की, 10 की। तो सुनो मेरी बात, तो चैरिटी कहाँ पे आती है जल्दी बोल, पी एंड एल, तो लिखो टू चैरिटी ऐसे, 10 एड फर्दर, हमने और कितने की करी, 5, 10 और 5 कितने हो गए, 15, समझाया खर्चा बढ़ गया, और यही 5 कहाँ था, ऊपर परचेज में से, याद है, हाँ तो लिंक रखना, आप पहली तैयार करके बैठे। अगला पॉइंट, आपने फ्री सैंपल बांटे 7000 रुपए के, तो मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट कितना पड़ा आपके पास, 13, और ये भी कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, लिखो टू एडवर्टीजमेंट, हर्षित यहाँ पे 13, एड क्या लिखेगा, फर्दर कितना, 7, 13 और 7 इट्स 20, 13 और 7 कितने हो गए, 20 पीएनएल में, और यही 7 कहां जाएगा जल्दी बोलो, ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस, माइनस तो करना है, सैंपल बांटोगे तो स्टॉक कम नहीं होगा क्या, अजी रुक जाओ अभी तो पॉइंट ही नहीं है यार, रुक तो जा, जल्दबाजी थोड़ा कर रहे हैं, मुझे याद है, चले आगे, चलो और लाइन वाइज चल रहे हैं, अगला 30% कमीशन कहता एडवांस है, मैं बीच में पुराने पॉइंट भी एक दो ले आया, 30% कमीशन क्या है, एडवांस, क्वेश्चन में चेक कर कमीशन कहां बैठा है, फटाफट देखिए बता मुझे कमीशन कहां बैठा है जल्दी बोल, क्वेश्चन में ये रहा लास्ट में, ये थोड़ा ऊपर नीचे ना कर देना, कितना दिया हुआ है जल्दी बोलो, 40 का कितने परसेंट बोला उसने, 30, बोलो कमीशन इनकम है, कहां लिखोगे जल्दी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, लिखो बाय कमीशन, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 40, बिल्कुल सही जी, माइनस एडवांस 12, 40 का 30%, 12000, तो नेट इनकम कितनी आएगी, 28, वो तो 12 तो एडवांस है ना, 12 एडवांस है, कई बार पेपर में और सुन लो उल्टा बोलेगा 80% ऑफ द कमीशन रिलेटेड टू करंट ईयर, बच्चे का आप हैबिट होती है देख के भागने की, सुन तो लो उल्टा बोल रहा है, 80% कमीशन इस साल की है, तो मतलब 20 एडवांस है, उल्टा भी सुनना पड़ेगा कई बार पेपर में ना, क्राइमिंग हो जाती है, तो ये 12 और कहां जाएगा जल्दी बोलो, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं यहाँ पे,
एडवांस कमीशन बारह, एडवांस कमीशन 12 रुपए, सॉरी 12,000, 12,000 डन सर। चलिए आगे, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन सिर्फ फर्नीचर पे कराया, ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने, 10% फर्नीचर का है भाई मेरे, बता जल्दी फर्नीचर 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 ये बैठा है 1,20 तो लगाइए डेप्रिसिएशन पहले तो। प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पे, डेबिट साइड टू डेप ऑन फर्नीचर 1,20 का 10%, 1,20 का 10%, 12,000 टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 12, और यही फर्नीचर कहां जाएगा जल्दी बोलो, 1,20 का था 12,000 कम हो गया तो कितना आएगा 1,8, एसेट साइड 1,08,000। यहां तक डाउट है, स्पीड फॉलो हो रही है बराबर, डन है। चलो अगला पॉइंट चलते हैं भाई, इसके बाद विड्रो गुड्स अब करेंगे रजी, पर्सनल यूज के लिए कितने गुड्स निकलवाए, 6। एक तो यहाँ पे फर्दर ड्राइंग्स के नाम पे कितना, 6, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई थी ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जगह छोड़ी हुई थी फर्दर ड्राइंग्स के नाम से, फर्दर कई लोग जोड़ भी लेते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, फर्दर ड्राइंग के नाम पे कितना, 6, और यही 6 कहां जाएगा जल्दी बोलो, परचेज में से माइनस, परचेज में से माइनस, अभी आएगा जी, मैंने देखा नहीं, मैं देखो देख के कराऊंगा फिर फायदा क्या होगा, फिर तो मुझे आधा याद है आधा याद नहीं है, आपके लिए तभी कर रहा हूँ कि आप बिन देखे करिए, कोई नहीं, तभी मैं क्या करता हूँ हमेशा जब भी कुछ लिखता हूँ ना एक दो लाइन एक्स्ट्रा छोड़ लेते हैं, ये दोबारा एडजस्ट करना पड़ा पर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ तक हो गया, लो जी लास्ट पॉइंट एक और ले आए, रेंट आउटस्टैंडिंग चार्ज, अगर आप डेट कर भी रहे हैं आपको आसान लगेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग चार क्वेश्चन में, चलिए रेंट कहाँ पे, ये रहा रेंट कितना 16, कहाँ जाएगा पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखो टू रेंट कितना 16, एड आउटस्टैंडिंग कितना 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, डन है बिलो, और यही 4 कहां जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कितने रुपए 4, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कितने रुपए 4। मुझे लगता है शायद आपकी एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं, अब आप वर्ड्स उठाइए फटाफट शिफ्ट करना शुरू करिए अपने अपने अकॉर्डिंग, आ जाओ पहला वर्ड जल्दी बोलो भाई, परचेसिल रिटर्न्स हो गया, कैरेज आउट ले क्या 10, कैरेज आउट कहां पे पी एंड एल, गलती नहीं चाहिए अपने को, साफ साफ चाहिए, ये आपको 9 पॉइंट्स का क्वेश्चन कराया आपने अभी, कैरेज आउट कितना जल्दी बोलो 10,000, कैरेज आउट कितना 10, टिक कर सकते हैं आप लोग, मैंने कर लिया कैरेज आउट 10। अगला पॉइंट रॉयल वाइज है, प्रोडक्शन रॉयल्टी गैस फ्यूल, प्रोडक्शन रॉयल्टी गैस फ्यूल तीनों कहां जाएंगे ट्रेडिंग, पहले तीनों को ट्रेडिंग लिया, आ जाओ ये क्लियर है लिखिए यहां पे टू प्रोडक्शन एक्सपेंस रॉयल्टी गैस फ्यूल पावर, प्रोडक्शन 15, 12, 8 15, 12 और 8 देख लो पहले नाम से 15, 12 और 8 आगे जाने से पहले पहले इसको प्लस कर लो, ये भी रह जाएगा फिर बताओ तुम ही करो 30, 6, 36, 36 और 5 41 और 48 48 माइनस करना है 6, 50 में से 6, 2 लिखिए 6, 2 फिर ऐसे रह जाती है चीज 6, 2 सही है जी 6,02,000। अब चलो क्वेश्चन में मैं टिक करता जा रहा हूं, ये भी हो गया ड्राइंग्स कैपिटल भाई, ड्राइंग्स कैपिटल देख लो बैलेंस शीट में हो गया ना, देख लो चैरिटी, चैरिटी अभी तो कराया 10+, पहला वर्ड ये कराया था 10+5, 15 एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब चल तेरा एक वर्ड रह गया लोन फ्रॉम श्याम, पहले तो लाइबिलिटी ले चलते हैं इसको, जहां का वर्ड है वहां लेके चलो लोन फ्रॉम श्याम, कितने का लोन है देख के बताइएगा 150। अब सुनने वाली बात ये है 10% तनिशा इसका इंटरेस्ट बनता है, कितना बनेगा 15,000 और आपने कितना पे करा है 9, कितना आउटस्टैंडिंग है 6, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट चढ़ाइए टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, डाउट है पूछिए, ये वर्ड भी अभी लास्ट में कराया था, और यही 6 कहां जाएगा बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी किस नाम से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, छ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से छ। डाउट बताइए सर, ये भी हो गया, लोन हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, रेंट कर दिया, बीआरबीपी आ जा 3520, बीआर एसेट 35 और यहाँ पे बिल्स पेबल 20। ये गलत ना हो जाए, क्या क्रॉस एंट्री गलत हो जाती है, बीआर इधर आ जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल चैप्टर कट गया कि ये क्यों है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करेंगे बात, इस पे पहले सिलेबस निबेट लें। टारगेट अकॉर्डिंग आपको करा देंगे जी, मैसेज आपको कराना है, मैंने आप तो कर नहीं करना है, पहले वो कंटेंट जो यहाँ लिखा हुआ है। बीआरबीपी हो गया जी, फर्नीचर ज्यादा 12 कम हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग 180 कहाँ जाएगा बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग इट्स अ 180। आगे चलें, डेटर्स एंड क्रेडिटर लिखो 65 और 35, डेटर्स डेटर्स 65 और उसके नीचे जाके क्रेडिटर्स कितना था 35, 65 और 35 डेटर क्रेडिटर। इसके बाद चक्कर पड़ गया, ये वर्ड मुझे दिखा नहीं था, क्या है इनकम टैक्स, ये भी आपको पता है क्या होता है। ड्रॉइंग्स कितना 8, तभी मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ दी थी बीच में थोड़ी सी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनकम टैक्स 8, दिस इज द फाइनल फिगर, इनकम टैक्स 8 माइनस होगा जी, ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखना है जहां आपके पास स्पेस है वहां कर दो, माइनस इनकम टैक्स 8। तो ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं, ड्रॉइंग्स है जी, इनकम टैक्स है, पर्सनल टैक्स ड्रॉइंग्स है, इसलिए माइनस होता है, कोई कारण नहीं, वरना कई लोग और करते हैं जब ऐसे इतने सारे वर्ड आ जाए इकट्ठे भी कर लेते हैं सबको, ड्रॉइंग्स आईओटी लग रखता है बाकी सब इकट्ठे कर लेते, इसलिए। अगला वर्ड फायर इंश्योरेंस, ये 12 है, थोड़ा सफल ना हो जाए, कितने 12, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट टू फायर इंश्योरेंस कितने रुपए है 12, टू फायर इंश्योरेंस कितना है 12,000। आगे चलें सर, कमीशन रिसीव हो गया, एडवांस भी हो गया, इधर से अगर देख पा रहे हो तीनों एसेट है, तीनों एसेट है, गुडविल कैश इन हैंड कैश इन बैंक तीनों एसेट्स हैं, तो एसेट साइड चलिए, गुडविल कैश इन हैंड, गुडविल कितना खाया था 80, अच्छा जी, अपनी तरफ से सर सारे वर्ड्स कवर है जी, 9 एडजस्टमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, समझेंगे आप लोग, पॉइंट वही होते हैं 5-6-3 बीच के लिए आया, क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए चाहिए था मुझे, इसके बिना काम ही चलेगा, रेंट और डेप्शन और एडवांस कमीशन रिपीट करा दिया आपके और रिपीट हो गए, ठीक है, अब आराम से स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, यहां से वर्किंग करना आपका काम है, 8:50 और 40 जल्दी बोलो, 8:50 और 40 890, यहां पे भी टोटल लगा लीजिए 890, इसमें से माइनस करिए आराम से मुझे बताइएगा, 6, 2 और 8, 6, 10, 6, 10, 6, 50, 6, 50, 6, 65, 6, 77 टोटल डेबिट साइड का, अब 8.90 में से 6.77 माइनस करेंगे 2, 23, 23, 23 रजे 77, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 13, 77 है वो, 80 और 90 ठीक है 13, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, $2,13,000 डन हो गया, यहां पे हमने स्पेस छोड़ी हुई थी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 2,13, इसमें यहीं पे हमारे फिगर्स हैं, ज्यादा है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप यहां पे टोटल लगाते हैं आराम से अपना, 2, 13, 28 और 3 कितने होते हैं 31, 31 और 13 244
टोटल आ जाएगा जी 244, इधर का जोड़ जोड़ रहे हो, 24 15, 39 39, 59 59 और 12, 71 71 और 20, 91 91, 101 101, 115 101 और 1516, आंसर बोल रहे हो? मैं 28 28 कर लो भाई, 24 और 15 39, 39 और 20 59 59, हाँ 128 खर्चे हैं, खर्चे 244 में 128, पहले 1 लाख गया, 144 144 में 28, 116 116 टू नेट प्रॉफिट। एक लाख 16 हजार और बैलेंस शीट में जो यहाँ स्पेस छोड़ी हुई थी, एड नेट प्रॉफिट, एक 16 24 116 कितने होते हैं, 40 चार चालीस, चार चालीस ऐसी हो गया, इधर बैठा कर लेते हैं, 30 33 33 और 6 39 39 और 47 47, 440 माइनस 47, चालीस ऐसे गया, 393 393 393। अब इसका टोटल कर लीजिए फटाफट, आपके सामने रख दी बैलेंस शीट पूरी सर, 6,20,000 सारा मिला के जी, 393 प्लस 12 प्लस क्या है 4 प्लस 1.5 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 35, इधर का तो 6,20 आ रहा है जी, एसेट्स का देखिए, लाइबिलिटी साइड का तो 6,20 बिल्कुल सही, लाइबिलिटी साइड का तो ये है 40 प्लस 1,08,000 प्लस क्या है 35 प्लस 180 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 6,20 620। यहां तक कोई डाउट है पूछिए, एक मिनट जी, एक मिनट एक मिनट, आवाज रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई डाउट है बताइए, तनिषा कोई डाउट, मान्या समृद्धि करेश अबूर फरशित डन है जी, समझ आया, पॉइंट्स आपके कवर हो गए मेरे अकॉर्डिंग 12, 6 वो 6 ये आईओसी आईओडी ड्राइंग चैरिटी एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, उधर से क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेप्रिसिएशन एक्रूड और एडवांस, आपको पूरा पता होना चाहिए सिस्टम, 12 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन स्टिल आपका पेंडिंग है, ये मैं आपको करवाऊंगा, इसमें नए पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, जो बच्चे कल पूछ रहे थे, पुराने भी रिपीट रखे मैंने, ऐसे नहीं कि आपको आता नहीं, नए रखे मैंने ये वाले, फर्दर बैड डेट्स, ये बैड डेट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, सबसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट इसका ही होता है पूरे फाइनल अकाउंट्स में और कुछ नहीं है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो बढ़िया बात है, यही चैप्टर था, अगर आपको इसमें कुछ नया आएगा, नया कुछ नहीं है, इतना ही है, हाँ इसके वो भी मैं इतना मुश्किल कर देता हूँ ये दोनों पॉइंट बोल के, पेपर में जो टीचर ने बोलना है इट्स ओनली 5 6 पॉइंट्स ओनली हार्डली, ये तो अपन का आदत है, थोड़ी चीज हाई ले जाइए, प्लस टू अच्छी निकल जाए उसमें दिक्कत ना आए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, डन सर, ओके जी, तो अपना टारगेट रहेगा